Hello, class 12 students. Welcome back to this online session. Today we'll be seeing the second book, Vistas, of class 12th. And today we'll see the first chapter of the book. The first story of the book is the third level. It's written by Jack Finney. What's the story about? Ye story kis baare mein ho sakti hai? Any guesses? Third level jaisa ki hai. So before entering, of course I'll introduce the chapter, but before going towards that, let's see something about the author. जैक फिने जिनका नाम है, इनको जॉन फिने भी कहते हैं. ये 2 अक्टूबर 1911 में हुए थे और नवंबर 14 को इनकी डेथ हुई थी. सी बोथ द स्पेसिफिक डेट्स, 2 अक्टूबर को हुए थे और 14 नवंबर को इनकी डेथ हुई थी 1995 में. ये एक अमेरिकन ऑथर है और जो ये आपकी स्टोरी है थर्ड लेवल, ये मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन से ली गई है, जो कि इन्होंने 1952 में लिखी थी. तो बेसिकली ये साइंस फिक्शन के राइटर हैं. फिक्शन क्या होता है? इमेजिनेशन. जैसे साइंस में इमेजिनेशन होता है, टाइम ट्रैवल होता है, तो ये उस तरह की चीज़ें लिखते हैं. तो ये स्टोरी भी, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि राइटर ही वही है, तो ये स्टोरी भी समथिंग लाइक टाइम ट्रैवल ही है. बट क्या है, लेट्स सी. ये जो स्टोरी है, ये दो चीज़ें हैं. सबसे पहले तो जो आदमी होता है इसमें, ये चला जाता है, चार्ले जो होता है ये चला जाता है किसी और जगह जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जो एक्चुअली उस टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी. बट कैसे ये चले जाते हैं, तो कैसे जाते हैं ये, तो जो ऑदर है वो बता रहे हैं कि कैसे वॉर का टाइम है और कैसे दुनिया में सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत हार्श रियलिटीज़ है. तो जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो ओरिजिनलिटी है इस वर्ल्ड की, उससे भागना चाहते हैं. इसकी वजह से एक हेलुसिनेशन होता है, एक इनका दिमाग जो है वो किसी और वर्ल्ड में चला जाता है. तो ये आदमी भी इस दुनिया की जो हार्श रियलिटीज़ है, जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज है, वॉर की वजह से जो भी रिजल्ट आए हैं, उन सब से बचने के लिए ये इमेजिन करता है, हेलुसिनेट करता है, और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ के थर्ड लेवल में चला. ये है हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि इतना बड़ा है कि हमारे जो नारेटर है वो भी चलते फिरते कहीं खो जाया करते थे. इनको नहीं समझ में आता कि इनको थर्ड लेवल कैसे मिला, पर मिल तो गया. और इनका बार बार मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा था कि ये कभी भी जाते कहीं और से थे और निकल कहीं और से जाते थे. और इसी चक्कर में वो एक बार कहीं तो लेफ्ट से मुड़ जाते हैं और पहुँच जाते हैं थर्ड लेवल में, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता था. पोएट नैरेटर कन्फ्यूज भी हैं कि आखिर मुझे ही क्यों नेचर ने चूज़ किया, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टिल दिस इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेट्स सी. वहाँ के थर्ड लेवल में चला जाता है, जबकि एक्चुअली थर्ड लेवल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. देयर आर ओनली 2 लेवल्स. बट ये आदमी जाता कैसे, क्या ये सच है या नहीं है, लेट्स सी. सो दिस इज योर स्टोरी. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क and central new york central and the new york new haven and hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have been on the third level of the grand central station. Jo president hai keh rahe hain is time, jo new york central ke president hain, jo the new york ke president hai, jo new haven ke president hai, ye sab log kahenge, ek dher sara timetable nikalenge aur us timetable pe rakh kar kasme khayenge कि सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 लेवल एग्जिस्ट करते हैं. बट मैं कह रहा हूँ कि कितने लेवल एग्जिस्ट करते हैं, 3 लेवल एग्जिस्ट करते हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहते हैं क्योंकि मैं जा चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे. येस आई हैव टेकन द, आप लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ, तो येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. ऑब्वियस स्टेप क्या है कि एक मेंटल डॉक्टर को दिखाना, एक साइड साइकाइट्रिस्ट को दिखाना. तो येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई हैव टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बात की है और उसको बताया है कि मुझे थर्ड लेवल मिला है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. एंड ही वॉज वेकिंग, ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ये जैसे आप जागी नींद से सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखना जैसा है कुछ. और उन्होंने क्या कहा, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी एंड दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. और ये सुनकर मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई एक्चुअली. बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड रेस्ट ऑफ इट. कि जो इस टाइम का मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें लोग बहुत इनसिक्योर हैं, सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं, वॉर है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत परेशानी है, और इन सब की वजह से हर कोई इस दुनिया से भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है. एंड इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है, जो चार्ले है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो भी क्या करना चाहता है, एस्केप करना चाहता है. बट दे डोंट डजन, क्या वो नहीं करना चाहते हैं?
Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. कह रहे मैं जितने लोगों को जानता हूँ, वो नैरेटर कहते हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ मुझे तो लगता है सब भागना चाहते हैं, पर किसी को तो आज तक थर्ड लेवल नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, सिर्फ मुझे ही क्यों? But that's the reason, he said, and my all friends agreed. And everything points to it, they claimed. हर चीज़ जो है वो कह रहा है कि मतलब यही रीज़न उन्होंने बताया और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सब एग्री कर रहे थे इस पॉइंट. और कई सारे रीज़न भी इन्होंने दिए. क्या रीज़न था कि जैसे मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत थी तो मतलब मैं टेम्पररी रेफ्यूजी चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ रियलिटी से. तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो है स्टोरी वो कहाँ पर ले आई गई है. वो ऐसी जगह पर लाई गई है जब मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह लड़ाइयाँ हो रही है और लोग अनसेफ फील कर रहे हैं. तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारे नैरेटर हैं वो भी, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है मॉडर्न वर्ल्ड और ये एस्केप करना चाहते हैं. तो इसलिए ये दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि एक थर्ड जो लेवल है वो एग्जिस्ट करता है. अब स्टोरी में आगे क्या होता है, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट. इसके बाद ये होता है कि जो ये है हमारे नैरेटर, वो जाते हैं और जाते जाते इनको हमेशा जितनी बार भी ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाते हैं उतनी बार भी इनको कभी किसी कोई नया रास्ता मिल जाता है, कभी कोई डोरवे मिल जाता है, कभी नया कॉरिडोर मिल जाता है और इन सब की वजह से वो अलग अलग जगह निकलते हैं. तो इनको लगता है ग्रैंड सेंट्रल इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसकी वजह से ये हमेशा इधर उधर पहुँच जाते हैं. ये आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो इसकी वजह से ये हमेशा इधर उधर पहुंच जाते हैं. पर एक बार जब ये ट्रेन लेने जाते होते हैं और उसके बाद ये कॉरिडोर में जा ही रहे होते हैं तो लेफ्ट से टर्न होते इनको एक जगह मिलती है जहां पर एक भी इंसान नहीं होता, वो बिल्कुल खाली रहता है और वहाँ पे चीज़ें बहुत अजीब अजीब सी होती हैं. जब वो इन्फॉर्मेशन बूथ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सब कुछ ओल्ड लुकिंग सा होता है. वहाँ पे पुराने ज़माने का स्पिटून रखा होता है जिसमें थूकते हैं, वैसा कुछ रखा होता है. जो विमेन है वो बहुत ही अजीब वे में ड्रेस्ड होती है. तो सब कुछ बहुत डिफरेंट था. जब ये खुद को श्योर करने के लिए एक न्यूज़पेपर वाले से मिलते हैं तो वो न्यूज़पेपर पे लिखा होता है द वर्ल्ड, और जो कि पब्लिश हुआ रहता है 1894 में. उसके बाद ये टिकट काउंटर की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि ईयर 1894 में अपनी वाइफ लुइजा को लेकर भी ये आएंगे. तो इसके लिए ये जाते हैं और जब टिकट काउंटर पे जाके ये अपना पैसा दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पैसा नहीं है, मतलब जो पुराना ज़माना है उसमें दूसरे तरह का पैसा चलता था. तो इसकी वजह से ये वापस आ जाते हैं अपनी दुनिया में. और जो अपने यहाँ स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वहाँ पर लोग पुराने ज़माने का पैसा देते थे पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर उसका. तो ये एक एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं दे और पे करने के बाद कुछ $300 के लिए इनको 200 मिला था, $300 के लिए 200 समथिंग मिला था ओल्ड स्टाइल में. पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. पर उस दिन के बाद ये बहुत खोजे पर इनको कभी थर्ड लेवल मिला नहीं. जो लुइजा थी वो बहुत ज़्यादा वरीड थी और लुइजा कहती थी कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, वी बोथ वर लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज द प्रूफ वॉज देयर. कह रहे हैं कि ये गए अपने स्टैम के पास और उस दिन से ये दोनों लोग मिलके, ये और इनकी वाइफ लुइजा, दोनों लोग क्या है थर्ड लेवल खोज रहे थे. क्यों खोज रहे थे? क्योंकि इस बार उनको प्रूफ मिल गया था. प्रूफ क्या था अभी पता चलेगा. बट माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, ये कहते हैं जो मेरे फ्रेंड थे सैम वीनर वो कहीं खो से गए थे और किसी को पता नहीं था कहाँ. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज इनको कुछ कुछ शक था. क्यों? क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था और जब भी ये गेल्सबर्ग, मतलब वो जो गांव इनके ज़माने का 1894 वाले गांव के बारे में बताते थे तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था वहाँ जाने में. तो इनको अंदाज़ा हुआ कि वही जगह है जहाँ पर इनके फ्रेंड सैम विनर गए हुए हैं. अब इसका प्रूफ कैसे मिला? एक रात ये स्टैम्प कलेक्शन में एक स्टैम्प मिलता है इनको, स्टैम्प कलेक्ट करते थे ये, और वहाँ पर इनके दादाजी के ज़माने का भी स्टैम्प था. उसको उस टाइम के ज़माने को फर्स्ट डे कवर बोलते थे, उसमें उसको ओपन नहीं किया जाता था. जैसे आता था कोई भी स्टैम्प तो उसमें एक ब्लैंक पेपर एनवलप में रखकर उसको प्रेजेंट किया जाता था. तो उस रात वो जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे वो देख रहे थे ये, और उसमें से एक ओल्ड फर्स्ट डे कवर मिला जो कि नहीं होना चाहिए था पर वहाँ पर मिला. क्या था? किसी ने उनके ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में वो उसे मेल किया हुआ था और वो 18 जुलाई से था वहाँ पे. तो मतलब 11 जून को ये गए थे और 18 जुलाई की डेट का वो था एनवलप.
ठीक है, पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट ऑल. पोस्ट मार्क में ऐसा लिखा हुआ था, इनको याद नहीं था कम्प्लीटली. स्टैम्प जो है 6 सेंट का था, बहुत डल ब्राउन था, पुराने ज़माने का था, उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो थी. ठीक है, तो ये ग्रैंड डैड को जब मेल किया गया था तब के टाइम के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट गारफील्ड, इनके टाइम के प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट. तो नेचुरली जब एनवलप आया ग्रैंड डैड के मेल में तो ये देखने गए, इसलिए जब वो आया था तभी वहीं पर रखा था और तब से आज तक सेम जगह पे उनके मेल्स के कलेक्शन में रखा हुआ है. इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं. जो पेपर था उसमें लिखा था 941 विलियर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलियोनस, जहाँ पर ये जाना चाहते हैं गेल्सबर्ग इनका गांव इलिनोइस, जुलाई 18, 1894. चार्ले को लिखा हुआ है आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट. और चार्ले को ये बताते हैं जो किसी ने भी लिखा था कि मुझे पता चला कि तुम सही हो, और जब मुझे पता चला तो मैंने ढूंढ लिया थर्ड लेवल और मैं 2 हफ्ते से यहीं पर हूँ, और यहाँ पे सच में कोई पियानो बजा रहा है, सब लोग अपना टाइम पोर्च में गाना गाते हुए बिताते हैं, लोग मुझे लेमनेड नींबू पानी के लिए इनवाइट किए हैं, और चार्ली और लोइज़ा तुम दोनों भी आ जाओ, देखते रहो थर्ड लेवल एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगा, इट्स वर्थ इट. खोजने के लिए इसका वर्थ है, कीमती है, खोजने लायक जगह ये बहुत अच्छी है, बिलीव मी. और नोट पे साइन क्या था, सैम, सैम जो कि इनका फ्रेंड जो खो गया था. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, और जहाँ पे ये स्टैम्प और कॉइन स्टोर में जाते हैं वहाँ जाके इन्होंने पूछा, तो $800 की ओल्ड करेंसी चेंज करवाई थी सैम ने, और सैम के लिए उतना पैसा काफ़ी था हे बिजनेस करने के लिए. हे बिजनेस क्या होता है, जो भूसे वाला बिजनेस होता है. और ये हे ग्रेन बिजनेस जो है इसमें सैम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो अपना ओल्ड बिजनेस नहीं करना चाहता था. तो सैम का ओल्ड बिजनेस क्या है, सैम है आखिर कौन. आपको याद होगा कि इनके एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे जो कि इनको कहते थे कि ये इस दुनिया के जो स्ट्रेस है टेंशन है इससे भागने के लिए हेलुसिनेट करते हैं, वही सैम है ये. तो सैम कौन था, सैम इनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था. तो वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एक्चुअली में खुद पहुंच गए हैं थर्ड लेवल में हेलुसिनेट करके. तो ये एक साइंस फिक्शन है जिसमें फिर बाद में वो सैम जो है वो भी क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं चार्ले और लुइजा को वहाँ पर आने के लिए, कि वहाँ पर आते रहिए, खोजते रहिए और आपको ज़रूर मिल जाएगा ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल. तो बेसिकली जिसको ये लोग क्या कर रहे थे, इमेजिनरी कह रहे थे, वो इमेजिनरी नहीं था, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, ऐसा सैम ले लिखा है. और ये पूरी स्टोरी जो है वो इमेजिनरी है, साइंस फिक्शन है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमने यहाँ तक देखा था, बट दैट्स द रीज़न माई फ्रेंड सेड, और कोई भी थर्ड लेवल तक तो नहीं पहुँचता. येस, बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स एग्रीड. सो वेल, मे बी माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. और ये कहते हैं वेल, अगर ऐसा कहा जाए तो मेरे शायद ग्रैंड फादर के टाइम में तो उनको रेफ्यूजी नहीं चाहिए था, उनको कहीं सच से नहीं भागना था, क्योंकि उस टाइम तो थिंग्स बहुत ज़्यादा प्रेटी थी, नाइस थी, एक भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था. तो वो क्यों स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, इसका मतलब इनके ग्रैंड फादर भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्ट करते थे. इट्स नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. और बहुत ही मज़ेदार था, अच्छा कलेक्शन था इनके दादाजी का. प्रैक्टिकली एवरी US इशू, जितने स्टैम्प इशू होते थे US में, और फर्स्ट डे कवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरह के जो स्टैम्प थे उसका कलेक्शन था. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टर स्टैम्प टू, यू नो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे US के प्रेसिडेंट जो उस टाइम के थे, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे. क्या उनको भी चाहिए था रेफ्यूजी, रेफ्यूज क्यों चाहिए, तो मतलब इनका कहना था कि नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे साथ कि मुझे रेफ्यूज चाहिए. एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर. पिछले समर की बात है, एक रात की बात है, मुझे रात को ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया था. आई वॉज इन अ हरी टू अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस. तो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सोचे सबवे ले लें, वो थोड़ा फास्ट चलती है बस से.
तो इसके लिए ये ग्रैंड सेंट्रल चले गए. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, है ना, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ले, 31 ईयर्स ओल्ड. मैं बहुत ही ऑर्डिनरी गाय हूँ, चार्ले नाम है मेरा, यहाँ इंट्रोडक्शन देते हैं अपना. और मैं सिर्फ 31 साल का हूँ. एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गार्बडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ जस्ट लाइक मी, और एक चमड़े वाला लेदर वाला सूट पहना था और एक स्ट्रॉ हैट पहना था और जिसपे एक फैंसी बैंड लगा था. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, और मैं करीब दर्जनों आदमी से होकर गुजरा जो कि मेरे जैसे लग रहे थे. एंड आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी सच्चाई से नहीं भाग रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, और मैं सिर्फ अपनी वाइफ लुइजा के पास जाना चाहता था. आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, और वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू जगह थी, वहाँ से ये ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़े और नीचे स्टेयर्स की तरफ स्टेप्स लेकर फर्स्ट लेवल में गए. वेयर यू हैव ट्रेन्स लाइक द 20th century जैसी ट्रेन वहाँ से चलती हैं फर्स्ट लेवल में. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू टेक द सेकेंड लेवल, तो अगली फिर से कुछ स्टेप्स लिए और ये सेकेंड लेवल में पहुँच गए. वेयर सब अर्बन ट्रेन, जो थोड़ी सब अर्बन एरियाज की ट्रेन है वो चलती थी और यहीं से उनको सबवे मिल जाती. एंड गॉट लॉस्ट, दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड बम्पिंग इन, और कह रहे हैं ये बहुत ईजी है, मैं खो गया, पर मेरे लिए बहुत नॉर्मल सा है. मैं हमेशा इधर उधर नए डोरवे से निकल जाता हूँ, कभी नए स्टेयर्स, कभी नए कॉरिडोर्स. वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन टू अ लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और ये एक बार एक टनल से होके गए, एक माइल चले और बाहर आए तो देखे कि ये लॉबी में है रूजवेल्ट होटल के. एक और बार ये ऑफिस बिल्डिंग है 46th Street पे, 3 ब्लॉक अवे पहुंच गए थे. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और कहते हैं कि मुझे लगता है जैसे एक ट्री ग्रो करता है उस तरह से ग्रैंड सेंट्रल जो है बढ़ता जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स. जैसे रूट्स बढ़ते हैं ट्री के, वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नए स्टेयर्स और कॉरिडोर्स बढ़ते जा रहे हैं. देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और एक प्रोबेबली एक लॉन्ग टनल है जो किसी को नहीं पता है और सिटी के अंडर ये चल रहा है ये जो टनल है. On its way to Times Square and maybe another to Central Park. क्या पता ये एक ऐसा टनल हो जो कि एक तरह से टाइम्स स्क्वायर पर निकले और दूसरी तरह से जाकर सेंट्रल पार्क पर निकले. And maybe for many people through the years at Grand Central has been an exit, a way to escape. और शायद मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत सालों से यहाँ पे लोग क्योंकि आते जाते हैं तो ये ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट करने की जगह है, एक भाग जाने के एक एस्केप का रास्ता है ये. एंड मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और शायद इसी वजह से इसी तरह से मैं भी उस टनल में पहुँच गया. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, और मैंने इस बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, वरना वो फिर से पागल कह देता और कह देता कि तुम फिर सच्चाई से भागना चाहते हो. द कॉरिडोर आई वॉज इन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स आई थॉट वॉज रॉन्ग, और ये जिस कॉरिडोर में पहुँच गए थे उधर इन्होंने लेफ्ट में एंगल लिया और थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते गए, और इनको लगा कि ये किसी रॉन्ग जगह पे आ गए हैं, बट फिर भी ये चलते रहे. ऑल आई कुड हियर वॉज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, और वो इतना खाली था कि सिर्फ इनके फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी. एंड आई डिडंट पास अ सोल, और एक आत्मा भी नहीं गुजरी थी मेरे पास से. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, और एक तरह से वो फिर कई हॉलो से स्पेस में ओपन हो रहा था जहाँ पे पता चल रहा था कि लोग वहाँ पे आगे बात कर रहे हैं. द टनल टर्नड शार्प लेफ्ट एंड आई वेंट टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ये पहुँच गए कहाँ, थर्ड लेवल पे. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और एक बार के लिए इनको लगा कि ये फिर से कहाँ पहुँच गए, सेकेंड लेवल पे पहुँच गए हैं. लेकिन फिर इन्होंने देखा क्या, जो रूम था वो स्मॉल था, कुछ कम टिकट काउंटर्स थे और ट्रेन गेट्स, इंफॉर्मेशन बूथ, सब कुछ पुराने ज़माने का लकड़ी का लग रहा था. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और जो ड्रेसिंग सेंस था वो भी क्या था, पुराने ज़माने का था. ग्रीन आई शेड उन्होंने पहन रखा था, लगा रखा था लेस आई का जो कलर था, और जो प्रोटेक्टर था वो ब्लैक स्लीव का था. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जल बुझ रही थी और जो लाइट बहुत पुराने ज़माने की थी. देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और फिर इन्होंने देखा जो ओपन फ्लेम गैस लाइट जलती है, जैसे हमारे यहाँ पे वो ओपन फ्लेम में लैम्प जलाया जाता है, वैसा कुछ था.
देयर वर ब्रास स्पिटून, स्पिटून मीन जिसमें स्पिट करते हैं, थूकते हैं, वो ब्रास का था, फ्लोर पे रखा हुआ था. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, और स्टेशन के अक्रॉस एक लाइट के अलग से ग्लिंट थी, चमक थी, जिस मेरी नज़र जिस पे पड़ गई. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और उस ज़माने में वो जो वॉच हुआ करती थी गोल्ड, जो एक वायर से सॉर्ट ऑफ हैंगिंग होती थी, तो उस तरह की वॉच उसने निकाली और वो उस वॉच पे देखा. तो इससे इन सब से इनको पता चल रहा था कि ये थोड़ा पुराना टाइम है. ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन सूट, और बहुत ही ड्रेसिंग सेंस भी जो था वो डर्बी हैट था, फोर बटन वाला सूट, पुराने ज़माने का था. टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुश्ताक, और जो पुराने ज़माने वाली मूछें थी वो थी. देन आई लुकड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस लाइक द सेम समथिंग लाइक 1890s के टाइम का था. आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड साइड बर्न्स एंड फैंसी मुश्ताक इन माई लाइफ, और इनके ज़माने में सब क्लीन शेप थे, पर उस ज़माने में अलग अलग तरह की मुश्ताक थी, बियर्ड थी, साइड में अलग अलग तरह के शेप दिए हुए थे. फिर वेमेन का ड्रेसिंग सेंस, और वेमेन आती हैं जो छिवोर ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ अर हाई बटन शूज, और उसका स्कर्ट था जो शॉर्ट था और उसके नीचे क्या था, हाई बटन शूज था, शूज जो कि ऊपर तक था, बूट सॉर्ट ऑफ, तो पुराने ज़माने का वो वेमेन भी ड्रेस थी. बैक ऑफ हर ऑन द ट्रैक, आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, और ट्रैक के पीछे एक लोकोमोटिव ये देखते हैं, इंजन देखते हैं, एक ट्रेन देखते हैं, वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, इंजन पड़ा हुआ है स्टेशन पे, with a funnel shaped stack, and then I knew, और ये बहुत पुराने ज़माने का, और तब इनको समझ में आया. अच्छा, to make sure I walked over to the news boy, to a news boy and glanced at a stack of paper at his feet, उसके पैर के पास जो newspaper था उसको देखा इन्होंने. It was the world, and the world hasn't been published for a year, और ये newspaper का नाम क्या था, the world, जो कि सालों पहले बंद हो चुका था. और lead story क्या थी, about President Cleveland. I've found that front pages since in the public library file. और कह रहे हैं कि ऐसे pages वो public library की files में वो देखा करते थे, जो front page था वैसा ही कुछ. और इस पर date क्या थी, 11 June 1894. I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central Station I could buy tickets and that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to. और ये टर्न हुए, ये सोचे कि टिकट ले लें और अब खुद और लुइजा को लेके कहाँ जाएंगे, कहीं भी जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में घूमना चाहते थे, क्योंकि वो टाइम जो था वो बहुत फ्री था, तब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था. I wanted two tickets to Galesburg, इलिनोइस, और ये कहाँ जाना चाहते थे, गेल्सबर्ग इलिनोइस में. हैव यू एवर बीन देयर, और ये फिर बताते हैं वो कौन सी जगह है, कैसी है, बताते हैं ये बहुत वंडरफुल टाउन स्टिल है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और पुराने ज़माने के घर हैं, ओल्ड फ्रेम के घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं हर घर में, बड़े बड़े ट्रीज हैं जिसकी ब्रांचेस जो हैं वो आपके ओवर हेड पर फैली रहेंगी, रूफ जो स्ट्रीट्स हैं उसको भी ढकी रहेंगी. और 1894 में जो सामरी इवनिंग्स हैं वो बहुत लंबी हुआ करती थी, क्यों, पीपल अपने लॉन में बैठते थे, जो मेन होते थे वो सिगार स्मोक करते थे, आराम से बात करते थे, जो वेमेन हैं वो पाम लीफ के फ़ैन बनाती थी, जो फायर फ्लाइज हैं, कीड़े थे, जुगनू जो आराम से उड़ते रहते थे, और बहुत पीसफुल वर्ल्ड था वो. टू बी बैक देयर विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 साल बचे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट. और अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए तो 40 साल बचे हैं और मैं जाना चाहता था, मैं दो टिकट चाहता था. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर एंड ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैड बैंड, और ये वो उसने देखना शुरू किया कैसा आदमी है. I had enough for two coach ticket one way, और इनके पास enough पैसा था कि दो coach का ticket ले ले एक तरफ का. But when I counted out money and looked up, the clerk was staring at me, और इन्होंने दे दिया पैसा, but जो clerk था वो इनको घूर रहा था. That ain't money mister, और ये पैसा नहीं है mister. क्यों, ये इनके ज़माने का पैसा था और वो पुराना ज़माना था. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने चाहते हो तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार, ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे. ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड मी एंड ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, और वो देखते हैं और पता चलता है कि जो पैसा था वो पुराने ज़माने का पैसा था. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डेज, और एज जिस ज़माने का मनी हम अभी यूज़ करते हैं उसका मतलब हाफ बड़ा था, हाफ हम यूज़ करते हैं अभी.
देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन, सो ये जल्दी से मुड़े और वापस चले गए. तो ये बताते हैं कि जेल तो उस टाइम की भी अच्छी नहीं रही होगी इन इवन इन 1894, तो जेल क्यों ही जाना. एंड दैट वॉज दैट, आई लिव्ड द सेम वे विच आई केम आई सपोज. इनको पता नहीं पर इनको लग रहा है कि ये उसी रास्ते से वापस चले गए जिस रास्ते से आए थे. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, और इतना ही पैसा इनके पास था, करीब $300, और ये जाते हैं और इसे एक्सचेंज कर लेते हैं. और ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को मेरे बिल्कुल पसंद नहीं आया. वेन यू बाय ओल्ड मनी ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, किसी भी कॉइन डीलर के पास, तो वो कुछ प्रीमियम सा लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं. तो ये $300 देते हैं और कुछ इनको $200 से भी कम मिले थे ओल्ड स्टाइल में, बट इनको ज़्यादा बुरा नहीं लगा था. एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894 और काफ़ी सस्ता था खाना, तो ही वॉज नॉट मच वरीड अबाउट, जा रहे थे ये, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दैट कॉरिडोर दैट लीड्स टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन. बट दुख की बात है कि इन्होंने बहुत बार कोशिश की पर इनको कभी वो थर्ड लेवल मिला नहीं. लुइजा वॉज प्रेटी वरीड वेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और लुइजा को बहुत टेंशन थी कि मेरे पति खो जाएंगे, बट ही कुडंट फाइंड. बट आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, कुछ दिन ये खोजे फिर रुक गए. आई वेंट बैक टू माई स्टेम बट नाउ वी बोथ आर, और फिर ये कुछ दिन बाद अपने स्टैम के पास गए, स्टैम देखा, और अब ये दोनों लोग हर वीकेंड जाते हैं थर्ड लेवल खोजने, बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. क्योंकि अब इनके पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल अभी भी है. कैसे प्रूफ है? माई फ्रेंड सैम वीनो, बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेट्सबर्ग, आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द प्लेस, साउंड ऑफ द प्लेस. इनका जो फ्रेंड है सैम वीनर, वो कहीं पर खोया हुआ है और इनको सस्पेक्ट, इनको थोड़ा सा शक है कि वो गेल्सबर्ग गया है, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था और जब भी ये गेल्सबर्ग के बारे में उसे बताते थे तो उनको बहुत पसंद आता था. एंड देयर इज वेयर ही इज राइट इन 1894, और ये कहते हैं कि वहीं पर है मेरा फ्रेंड सैम 1894 में. कैसे पता चला? बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड फर्स्ट डे कवर. वेल डू यू नो अबाउट फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर वो होता है जहाँ जो कि ब्लैंक मेल एनवलप्स होते हैं, उसमें ब्लैंक पेपर रख दिया जाता है, उनको कभी ओपन नहीं किया जाता है. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडन हैव बीन देयर, और उस रात जो इनके सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उसमें इनको एक फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था. इट वॉज़ एट हिज होम इन गेट्सबर्ग, इट वॉज मेल टू हिज ग्रैंड फादर. किसको मेल किया हुआ था? उनके ग्रैंड फादर के एड्रेस पे, ग्रैंड फादर के टाइम का था, और उनके घर के एड्रेस गेट्सबर्ग पे ये सेंड किया हुआ था. दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और यही एड्रेस था एनवलप में, और उस पर डेट क्या थी? July 18, 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट ऑल, और ये पोस्ट मार्क शो कर रहा था, इनको याद थोड़ी था. द स्टैम्प कितने पैसे का था? 6 सेंट का था, बहुत ही डल ब्राउन कलर का था, पुराने ज़माने का पेपर था, और पिक्चर किसकी थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी. नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट एंड ओपेंड इट. तो जिसने भी इसको मेल किया रहा होगा, तो ये ग्रैंड फादर को, ग्रैंड डैड को मेल किया रहा होगा, तो ग्रैंड डैड ने अपने मेल कलेक्शन में रखा रहा होगा, तो वो जो भी पोस्ट कार्ड है उनका कलेक्शन इस समय यहाँ है, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली चला आया है वो मेल, उस ज़माने से मेल किया हुआ है. और जो पेपर उसके अंदर था वो ब्लैंक नहीं था, उस पर लिखा था चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, और मुझे पता चला कि तुम सही हो. देन आई गॉट टू बिलीविंग, पहले मैं विश करता था कि काश तुम सही होते, फिर मुझे विश्वास होने लगा तुम सही हो, एंड चार्ली इट्स ट्रू, और ये सच है, और मुझे थर्ड लेवल मिल गया. आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 11 जून को वो गए होते हैं और 18 जून का ये लेटर होता है, और ये बताते हैं मैं 2 हफ्ते से यहाँ हूँ. राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज, और ये एक जगह बताते हैं स्ट्रीट डेलीज, एक गली है डेलीज के पास, कोई तो पियानो बजा रहा है और कोई पोर्च में गाना गा रहा है, सीइंग नेली होम, अलग अलग तरह के गाने. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे यहाँ नींबू पानी के लिए बुलाया गया है. कम ऑन बैक, फिर से यहाँ आ जाओ चार्ली और लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी, और आ जाओ बहुत मजा आएगा, इट्स वर्थ इट बिलीव मी. और साइन किसका था? सैम. अब ये सैम है कौन? एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, पहले ये बताते हैं जहाँ पे ये स्टोर कॉइन स्टोर पे जाते हैं वहाँ पे ये गए, तो पता चला सैम जो है वो $800
का करेंसी जो है ओल्ड स्टाइल करवाया था, और इतना पैसा काफ़ी था उसे अच्छा नाइस हे फीड, भूसा फीड करने और ग्रेन का बिजनेस करने भर के पैसे बहुत थे उतने। ही ऑलवेज सेड दैट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और इनको बहुत मन करता था कि ये कभी ये कर पाते हे बिजनेस, एंड ही सर्टनली कान गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और इनको बिल्कुल अपना पुराना बिजनेस नहीं पसंद था। इनका पुराना बिजनेस क्या था? हिज ओल्ड बिजनेस। वाई आपको नहीं पता? इनका जो फ्रेंड सैम था वो क्या था? साइकेट्रिस्ट था। तो उसका ओल्ड बिजनेस क्या था? साइकेट्रिस्ट। और वैसे भी गेल्सबर्ग में 1894 में साइकेट्रिस्ट का काम तो वो कर नहीं सकते थे। सो दिस इज द स्टोरी, इट्स अ साइंस फिक्शन, कैसे माइंड जो है वो इमेजिनरी बातें सोच कर कहीं भी जा सकता है। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस, इट्स दीज आर वेरी ईजी। दिस द समरी, यू कैन पॉज एंड राइट, ऑफकोर्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। That's all for this video. Thank you. Have a good day. Hope you understood it well. Thank you. Keep supporting, of course. Thank you so much.